Done. Okay. 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 चलो शुरू करते हैं. गुड आफ्टरनून गाइस. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार. तो आज हम लोग बात करेंगे किसकी? चिक के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे. आजकल आज हम लोग चिक के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे. गुड आफ्टरनून साइलेंट शिफ्ट. गुड आफ्टरनून स्नेहा. गुड आफ्टरनून. चलो तो चिक में हमने क्या क्या पढ़ा था? जब हमने क्लेवेज और गैस्ट्रुलेशन पढ़ाया था तब हमने चिक के एग के बारे में और उसके क्लेवेज पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था. तो आज हम लोग उसके चिक में किस तरीके से क्लेवेज होता है और किस तरीके से ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से हाइपोब्लास्ट बनते हैं, एपीब्लास्ट बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे. तो देखिए क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को. क्लेवेज पढ़ना है. क्लेवेज कैसा होता है? चिक में क्लेवेज किस टाइप का होता है बताइए. चिक में क्लेवेज किस टाइप का होता है? गुड आफ्टरनून. हेलो आकाश जी. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. नमस्कार प्रियंका जी. गुड इवनिंग रजत चौधरी. चलो तो क्लेवेज कैसा होता है? क्लेवेज कैसा होता है? क्लेवेज कैसा होता है? गुड आफ्टरनून गाइस. गुड आफ्टरनून एवरीवन. क्लेवेज कैसा होता है? मीरोब्लास्टिक क्लेवेज होता है. कैसा क्लेवेज होता है? मीरोब्लास्टिक क्लेवेज होता है, यानी कि इनकम्प्लीट क्लेवेज होता है. कैसा क्लेवेज होता है? इनकम्प्लीट क्लेवेज होता है, या डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक क्लेवेज होता है. डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक क्लेवेज होता है. तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है. फिर उसके बाद गैस्ट्रुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी में क्या पढ़ेंगे, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन पढ़ेंगे. और एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट मिलकर क्या करते हैं? टू लेयर्ड ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं. उसके बाद क्या बनती है? प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है. प्रिमिटिव स्ट्रीक के बन जाने के बाद प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू ही क्या होता है, सेल्स का मूवमेंट होता है. और क्या बनते हैं? मीजोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है. उसके बाद इपीबोली के थ्रू एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है. देन उसके बाद क्या पढ़ेंगे? एक्सेस स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे. एक्सेस स्पेसिफिकेशन में डॉर्सल एंट्रल एक्सेस पढ़ेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे और लेफ्ट राइट एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे. और आज पूरा चिक डेवलपमेंट पूरा खत्म करेंगे. डन. ओके. नहीं पढ़ाते हैं. धीरेंद्र यादव जी सर, लोगों की क्लास होगी, कुछ थोड़ी सी टाइमिंग की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइमिंग का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो क्लासेस अभी रन होंगी. कुछ दिनों में होपफुली रन होंगी. नमस्ते अमूल्य. कुछ दिनों में रन होंगी सर, दोनों सर की क्लासेस रन होंगी. डन. तो आज हम लोग पूरा चिक डेवलपमेंट खत्म करेंगे. क्वेश्चंस देख लेते हैं. बी सेक्शन में क्वेश्चन आया हुआ है. किससे? बी सेक्शन में पूछा गया है कि मीजोडर्म और एंडोडर्म में चिक में, मतलब जो मीजोडर्म और एंडोडर्म के फॉर्मेशन में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है. तो इसमें हमें प्रिमिटिव स्ट्रीक दिया है, हाइपोब्लास्ट दिया है, एपीब्लास्ट दिया है एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट दिया हुआ है. तो जब हम लोग ये सेशन पढ़ लेंगे तब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी. हैंसन्स नोड पूछा गया है. हैंसन्स नोड पूछा गया है और हैंसन्स नोड को किससे कंपेयर किया गया है? देखो हैंसन्स नोड को कंपेयर किससे किया गया है? इक्विवेलेंट एम्फीबियन डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप से कंपेयर किया गया है, मीन्स ऑर्गेनाइजर से कंपेयर किया गया है. और उसके बेसिस पे ये फंक्शंस दिए हुए हैं. तो अभी हम जब हैंसन्स नोड के बारे में पढ़ लेंगे तब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चन आया हुआ है बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें इस क्वेश्चन को आप तब कर पाएंगे जब आप पूरा चिक डेवलपमेंट पढ़ लेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट हर जगह से उठाई गई है. कहाँ कहाँ से उठाई गई है? मीरोब्लास्टिक, मतलब डिस्पाइडल मीरोब्लास्टिक क्लेवेज से उठाई गई है. क्लेवेज के साथ साथ गैस्ट्रुलेशन से उठाई गई है. प्राइमरी हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन में कौन कौन सी कितनी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं. फिर जो 13 स्टेज ऑफ चिक एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, यानी कि प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन के पहले क्या काम होता है उसके बारे में पूछा गया है.
हेंसन्स नोड के बारे में पूछा गया है और पीसीपी पाथवे WNT प्लानर सेल पोलैरिटी पाथवे के बारे में पूछा गया है, जो कब होता है, जो कब रन होता है, जब एपिब्लास्ट सेल से प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारा जब हम आज पूरा लेक्चर खत्म कर लेंगे तो सेशन के एंड में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें हर चीज़ पता होगी। ठीक है, हर टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बात करी, सबसे पहले हमने बात करी कि एग कैसा होता है चिक का, टीलोलेसिथल एग होता है। किस तरीके का एग होता है? टीलोलेसिथल एग होता है। हेलो सबा जी, गुड आफ्टरनून सम्मिता, गुड आफ्टरनून। तो टीलोलेसिथल एग होता है। टीलोलेसिथल एग का मतलब क्या दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। द चिक एग इज टीलोलेसिथल विद अ स्मॉल डिस्क ऑफ साइटोप्लाज्म ब्लास्टोडिस्क सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ लेयर योक, टॉप ऑफ अ लार्ज योक। तो अब ये वाला फिगर देखें तो ये क्या है, ये वो साइटोप्लाज्मिक रीजन है जहां पर क्लिवेज होगा, जहां पर योक प्रेजेंट नहीं है। हम फिगर बुक से देखते हैं क्योंकि पीपीटी में ये फिगर प्रॉपर आ नहीं रहा है। ओके, हाँ, ये फिगर हम लोग बुक से देखते हैं। चल ओके, तो ये क्या है, टीलोलेसिथल एग है और ये वो रीजन है जहां पर योक प्रेजेंट नहीं होता है, ब्लास्टोडिस्क। जितना भी क्लेवेज का काम होगा वो यहीं पर होगा, बाकी पूरे में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बाकी पूरे में योग प्रेजेंट है। तो जहां पर भी योग होगा वहां पर क्लेवेज नहीं होगा, और जहां पर योग प्रेजेंट नहीं होगा ब्लास्टोडिस्क रीजन में, वहां पर क्लेवेज होगा। तो यहाँ इसीलिए जैसे ये क्या होता है, ये डिस्क शेप का साइटोप्लाज्म होता है, तो इसको इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्वाइडल। और इनकम्प्लीट क्लेवेज होता है इसलिए डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक क्लेवेज। तो इस क्लेवेज पैटर्न याद रखना, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली बी सेक्शन में इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये पूरा सब कुछ देवकृष्ण कुमार चौधरी, ये सब कुछ गिलबर्ट से है, सारा कुछ जितना भी डेवलपमेंटल का पार्ट हम पढ़ा रहे हैं ये सब कुछ गिलबर्ट से। ठीक है, गिलबर्ट बुक रेफर करिए। हाँ बिल्कुल। चलिए ओके, तो ये वो पार्ट होगा जहां से क्लेवेज शुरू होगा। अब क्लेवेज की बात करते हैं, तो क्लेवेज स्टार्ट हुआ सबसे पहले देखो सेंटर में, ये वो जगह है जहां पर क्लेवेज शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले सेंटर में क्लेवेज हुआ, कई क्लेवेज के बाद हमको क्या मिले, 4 to 5 लेयर ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन हुआ। जब मल्टीपल क्लेवेज हुए तो क्या मिला, अगर हम इतना पार्ट उठाकर देखें, इतना पार्ट जहां पर क्लेवेज रीजन का, जहां पर बहुत सारी सेल्स बन चुकी हैं, उसको उठाकर देखें तो हमें इस तरीके से दिखेगा। तो जब 4 to 5 लेयर ऑफ ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जो एरिया पैलिसिडा की सेल्स होती हैं, ये जो रीजन है यहाँ पर जो मिडिल रीजन है उसे एरिया पैलिसिडा बोलते हैं, और फिर यहाँ पर जो रीजन है इसे मार्जिनल जोन बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में एरिया ओपेका रीजन प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इस फिगर को यहाँ पर देखें, जब 4 to 5 लेयर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है ब्लास्टोडर्म का, तो ये सेल्स अब क्या करती हैं, ये सेल्स जो एग वाइट होता है, जो एल्बुमिन रीजन होता है, वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, सोडियम आयंस को एब्जॉर्ब करती हैं, और अपने और योक के बीच में ये वो सेल्स हैं जो क्लिवेज के बाद बनी हैं, और ये योक रीजन है। तो ये क्या करती हैं, ये सेल्स एल्बुमिन से वाटर और सोडियम आयंस को एब्जॉर्ब कर दिए और क्या कर दिए, अपने और योक के बीच में रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो क्लीव्ड सेल्स हैं और योक हैं उनके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाता है, जिसे बोलते हैं सब जर्मिनल कैविटी। क्या बोलते हैं, सब जर्मिनल कैविटी। सब जर्मिनल कैविटी का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो एरिया पैलोसिडा की जो अपर लेयर की सेल्स होती हैं वो इपीब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन
एरिया पैलुसिडा की जो अपर लेयर की सेल्स जो आपको ब्लू ब्लू दिख रही होगी, ये क्या है? इपीब्लास्ट की सेल्स हैं। और इपीब्लास्ट से क्या फॉर्म होता है? इपीब्लास्ट से हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। जब हमने गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट में पढ़ाया था तो हमने वहां पर कौन से मूवमेंट में हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन बताया था? डिलैमिनेशन के दौरान। किसके दौरान? डिलैमिनेशन के दौरान क्या होता है? डिलैमिनेशन होता है इपीब्लास्ट के, जब भी इपीब्लास्ट से हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है तो डिलैमिनेशन का प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस को हम लोग देखेंगे कहाँ? इस प्रोसेस को हम लोग इस फिगर में देखेंगे। ये इस फिगर में हम लोग इस प्रोसेस को देखेंगे। तो देखें, देखना शुरू करिए। तो एरिया पैलुसिडा की सेल जो होती है वो एज इपीब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये इपीब्लास्ट सेल्स हैं। इपीब्लास्ट से क्या बनना है? हाइपोब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन होना है। तो जब आप एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाते हैं तो इपीब्लास्ट के साथ साथ कुछ सेल्स और अटैच रहती हैं, कुछ रीजनल थिकनिंग रहती है। इसे क्या बोलते हैं? कोलर सिकल सेल्स बोलते हैं। तो ये भी क्या होती है? ये भी हाइपोब्लास्ट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। किसके फॉर्मेशन में? हाइपोब्लास्ट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? इपीब्लास्ट जो रीजन होता है, ये सेल्स डिलैमिनेट होकर हाइपोब्लास्ट आईलैंड का या प्राइमरी हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन करते हैं। प्राइमरी हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? इपीब्लास्ट सेल्स का डिलैमिनेशन होगा। और ये कुछ सेल्स जो डिलैमिनेट होकर इपीब्लास्ट रीजन से ही क्या रहेंगी? अटैच रहेंगी। ये किसका फॉर्मेशन करेंगी? हाइपोब्लास्ट आइलैंड्स या प्राइमरी हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन करेंगी। उसके बाद सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट प्रिकर्सर के लिए सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट होती हैं। तो जब प्राइमरी हाइपोब्लास्ट या हाइपोब्लास्ट आइलैंड्स बन जाते हैं तब ये सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट प्रिकर्सर सेल्स एंटीरियर की तरफ, एंटीरियर साइड मूव करने लगती हैं। और मूव करके क्या करती हैं? मूव करते हुए जाके प्राइमरी हाइपोब्लास्ट के साथ मिल जाती हैं और क्या हो जाता है? सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इपीब्लास्ट से हाँ, कोई बात नहीं मोहम्मद, कोई बात नहीं, डिलैमिनेशन, यस, कोई बात नहीं। आपके ये चेक अभी आज ही स्टार्ट करा है तो अभी ये पढ़िए। जो लेक्चर छूट गए हैं वो यूट्यूब पे पढ़े होंगे, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो गया। और सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ? एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड की तरफ सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट की सेल्स मूव करके पहुंची और प्राइमरी हाइपोब्लास्ट के साथ अटैच हो गई और किसका फॉर्मेशन हो गया? सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो गया। इतना प्रोसेस तब होता है जब एग लेइंग नहीं हुई होती है। बिफोर द एग लेइंग क्या होता है? ये इतना प्रोसेस, यानी कि हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो चुका होता है। इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट का, यानी कि हमको डबल लेयर्ड ब्लास्टोडर्म मिल चुका होता है। कब? जब तक एग लेइंग नहीं हुई होती है। तो इतनी ये स्टेजेस, जो स्टेज 10, 12 और 13 आप लोगों को दिख रही है, ये स्टेजेस कब मिलेंगी? जब तक एग लेइंग का प्रोसेस नहीं हुआ होगा। फिर उसके बाद हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन होने से पहले क्या होता है? ये काम जो स्टेज 2 और स्टेज 3 दिख रही है, ये कब होती है? ये एग लेइंग होने के बाद होती है, आफ्टर एग लेइंग। तो इसमें क्या होता है? अब हाइपोब्लास्ट बन गया, अब क्या बनेगा? तो ये इपीब्लास्ट रीजन है और ये हाइपोब्लास्ट है। इन दोनों के बीच में जो एरिया है उसे क्या बोलते हैं? उसी को ब्लास्टोसील बोलते हैं। ब्लास्टो, भाई ब्लास्टोडर्म स्टेज है ना, तो कैविटी कौन सी होगी? ब्लास्टोसील होगी। और इपीब्लास्ट से हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन किस प्रोसेस के थ्रू होगा? बाय द डिलैमिनेशन। याद रखिएगा, नॉट इनग्रेशन, बाय द डिलैमिनेशन। डिलैमिनेशन और इनग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है? डिलैमिनेशन, जो डिलैमिनेट होकर जो सेल्स बनती हैं वो अपर लेयर के बिल्कुल पैरेलल शीट का फॉर्मेशन करती है। फिर उसके बाद अब जब एग लेइंग हो जाती है तब हाइपोब्लास्ट और इपीब्लास्ट के बीच में प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन होता है। और प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन भी इपीब्लास्ट सेल से होता है। याद रखिएगा, इंटायर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जो रोल होता है वो इपीब्लास्ट सेल्स का होता है। हाइपोब्लास्ट सेल्स का काम होता है इपीब्लास्ट सेल्स को माइग्रेट करने के लिए सिग्नल्स देना, बस। इसके अलावा जितना भी, पूरा एंटायर एम्ब्रियो डिराइव फ्रॉम द इपीब्लास्ट सेल्स।
हाइपोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो सिर्फ केमिकल सिग्नल्स के थ्रू एपिब्लास्ट सेल्स को माइग्रेट होने के सिग्नल्स देती हैं, बस इसके अलावा और कोई काम नहीं करती। तो जब हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट सेल बन जाती है, अब क्या होगा, प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन भी इन्हीं एपिब्लास्ट सेल से होगा। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन एपिब्लास्ट सेल्स के साथ साथ उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, कोला सिकल सेल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होती है, ये भी पोस्टीरियर मार्जिनल जोन की सेल्स होती हैं। YouTube पे अवेलेबल रहेगा, ये YouTube पे अवेलेबल रहेगा। तो एपिब्लास्ट से क्या होता है, अब एपिब्लास्ट सेल से जो प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन होता है वो बाय द इनग्रेशन होता है, नॉट डिलेमिनेशन, बाय द इनग्रेशन। इनग्रेशन में क्या हो रहा था, इंडिविजुअली सेल इनग्रेस होकर कहां गिर रही थी, ब्लास्टोसील में, इंटायर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो में गिर रही थी। तो यहां पर भी सेल्स क्या हो रही हैं, एपिब्लास्ट सेल्स, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, एपिब्लास्ट सेल्स क्या हो रही है, ब्लास्टोसील मतलब इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो में इंडिविजुअली गिर रही हैं, और एक जगह क्या हो रही है, इकट्ठी हो जा रही हैं, कन्वर्ज हो जा रही हैं। अगर हम इसे एंटीरियर टू पोस्टीरियर ना देखकर डॉर्सल टू वेंट्रल देखें, तो ये देखिए, ये जो आपको पिंक पिंक सा दिखाई दे रहा है ना, ये एपिब्लास्ट सेल्स हैं जो ब्लास्टोसील में गिरकर एक जगह इकट्ठी हो जा रही हैं। और उसके बाद इकट्ठी होने के बाद क्या होती है, ये पोस्टीरियर टू एंटीरियर मूव करेंगी और प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन कर देंगी। तो एपिब्लास्ट से हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन बाय द डिलेमिनेशन, एंड एपिब्लास्ट से प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, बाय द इनग्रेशन। जिसको भी डिलेमिनेशन और इनग्रेशन में कंफ्यूजन है वो क्लीवेज एंड गैस्ट्रुलेशन वाला वीडियो उठाकर देखे। तो अब क्या हुआ, एपिब्लास्ट सेल से क्या हो गया, प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन हो गया, और इसमें कोलर सिकल सेल ने भी कंट्रीब्यूट किया, किसमें, प्रिमिटिव स्ट्रीक के फॉर्मेशन में। तो जब यहाँ पर सेल्स खूब सारी सेल्स यहाँ पर, अब एपिब्लास्ट सेल्स कन्वर्ज हो गई एक जगह, अब ये क्या करती है, अब ये एंटीरियर साइड पर मूव करने लगती है और प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब कौन सी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म अप्लाई होती है प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन के दौरान, हम लोग उस चीज को डिस्कस करेंगे। प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन के दौरान जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होती है प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन के दौरान, ये क्या लिखा हुआ है पढ़िए, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन, एपिब्लास्ट सेल्स किस तरीके से मूव करके आती हैं और एक जगह इकट्ठी होती हैं, उसके बाद प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वो सेल्स क्या होती हैं, पोस्टीरियर टू एंटीरियर मूव कर रही हैं। तो क्या लिखा हुआ है, द मैकेनिज्म फॉर सेलुलर डांस वॉज मीडिएटेड बाई द एक्टिवेशन ऑफ WNT प्लानर सेल पोलैरिटी पाथवे, WNT सेलर प्लानर सेल पोलैरिटी पाथवे, एंड दिस पाथवे इज जो PCP पाथवे, इसको PCP पाथवे बोलते हैं, और ये PCP पाथवे, इसी को हम नॉन कैनोनिकल WNT पाथवे या फिर बीटा कैटेनिन इंडिपेंडेंट WNT पाथवे बोलते हैं। ये कैसा होता है, बीटा कैटेनिन इंडिपेंडेंट होता है, कैसा होता है, बीटा कैटेनिन इंडिपेंडेंट। तो ये PCP पाथवे कैसा होता है, बीटा कैटेनिन इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पर बीटा कैटेनिन का कोई काम नहीं होता है। तो जब भी एपिब्लास्ट सेल से प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन होता है, तो ये, अब इसे सेलुलर डांस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सेल्स मूव करती हैं एपिब्लास्ट से, जो एपिब्लास्ट की सेल्स जो मूव करते हुए प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन के लिए पहुंचती हैं ब्लास्टोसील में, उनका मूवमेंट कुछ इस तरीके से रहता है। मतलब कुछ साइंटिस्ट ने इसे इस फॉर्म में बताया था कि एक साइड से क्या आ रहे हैं, एक साइड से बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं और एक साइड से बहुत सारी फीमेल्स आ रहे हैं, और वो एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और उसके बाद वो साथ में डांस कर रहे हैं। ये इस बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया था इस मैकेनिज्म को। तो इसे क्या बोलते हैं, सेलुलर डांस की मैकेनिज्म बोलते हैं। तो इसे एपिब्लास्ट सेल्स क्या आती हैं, एपिब्लास्ट सेल्स दोनों साइड से आती हैं और एक जगह ब्लास्टोसील रीजन में कन्वर्ज हो जाती हैं, और उसके बाद क्या होने लगती हैं, ऊपर की तरफ मूव करने लगती हैं। तो
जो सेल्स एपिब्लास्ट रीजन में जो सेल्स बिल्कुल वेल बिहेव थी, वेल अरेंज थी, वो क्या होने लगी, उनका बिहेवियर और उनका शेप दोनों चेंज हो गया। और ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ पीसीपी पाथवे के एक्टिवेशन के थ्रू। कौन से, प्लानर सेल पोलैरिटी पाथवे के एक्टिवेशन के थ्रू। प्लानर सेल पोलैरिटी पाथवे में होता क्या है, तो अगर प्लानर सेल पोलैरिटी पाथवे की हम लोग बात करें, वेट, प्लानर सेल पोलैरिटी पाथवे की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्रिजल रिसेप्टर होता है और फ्रिजल के साथ रिक और रॉ रिसेप्टर्स मिलते हैं। फ्रिजल के साथ रिक एंड रॉ रिसेप्टर्स मिलते हैं। तो जैसे ही फ्रिजल्ड की बाइंडिंग, जैसे ही ये हो गया फ्रिजल्ड और ये हो गए रिक एंड रॉर। तो जैसे ही WNT की बाइंडिंग होती है, जैसे ही WNT बाइंड करता है, जैसे ही, हाँ बिल्कुल, हाइपोप्लास्ट जो होता है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, हाँ ओके, थैंक यू शकील जी, थैंक यू, हेलो नेहा। तो जैसे ही WNT की बात हुई, वैसे ही क्या एक्टिवेट हो गया, रिक और रोर एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये रिक रोर और फ्रिजल तीनों मिलकर इसको एक्टिवेट करते हैं, डिसेबल्ड को एक्टिवेट करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं डिसेबल्ड को। और डिसेबल्ड एक्टिवेट करता है रो GTPases को, रो GTPases को, रो GTPases, और उसमें रैक आ जाता है, रो ए आ जाता है। रो GTPases के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, माइक्रोट्यूबुल्स माइक्रोफिलामेंट्स, तो इसमें रैक और रो ए आ जाते हैं, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे ही ये एक्टिवेट होते हैं, वैसे ही क्या होने लगता है, साइटोस्केलेटन रीऑर्गेनाइजेशन होने लगता है, साइटोस्केलेटन रीऑर्गेनाइजेशन होने लगता है। और उसके बाद क्या होता है, सेल का शेप एंड बिहेवियर चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ क्या होता है, अगर यही रो GTPases जीनस काइनेज को भी एक्टिवेट करते हैं, क्या करते हैं, जीनस काइनेज को भी एक्टिवेट करते हैं। जीनस काइनेज क्या करते हैं, न्यूक्लियस में जाकर जीन का एक्टिवेशन कराता है, जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराता है, और साइटोस्केलेटन रीऑर्गेनाइजेशन में भी इन्वॉल्व होता है, और सेल का शेप एंड बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये पाथवे रन होने की वजह से क्या होता है, एपिब्लास्ट सेल का शेप और बिहेवियर दोनों चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो मूव करके कहाँ आती हैं, जिसकी वजह से वो मूव करके आती हैं और किसका फॉर्मेशन करती हैं। यस, थैंक यू सबा जी। तो जिसकी वजह से वो क्या करती हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन करती हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एपिब्लास्ट सेल का पोलैरिटी पाथवे के चलने की वजह से क्या हुआ, इस एपिब्लास्ट सेल्स का शेप और बिहेवियर चेंज हो गया। और उसकी वजह से क्या हुआ, देखिए यहाँ पर किस तरीके से सेल पहले एक जगह इकट्ठी हो रही हैं और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये एंटीरियर की साइड पर मूव कर रही हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक के फॉर्मेशन के लिए। तो यही होती है सेलुलर डांस मैकेनिज्म। पढ़िए पॉइंट, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द WNT पाथवे एक्टिवेटेड बाय द फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोब्लास्ट। हमने बताया हाइपोब्लास्ट का काम क्या होता है, एपिब्लास्ट सेल्स के माइग्रेशन के लिए सिग्नल्स प्रोवाइड कराना। और वो सिग्नल वो किसके थ्रू देता है, तो ये जो पीसीपी पाथवे रन करेगा इसका एक्टिवेशन कौन कराएगा, FGFs कराएंगे, कौन कराएगा, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स करवाएंगे। अब प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन हो गया, अब पोस्टीरियर मार्जिनल जोन के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, पोस्टीरियर मार्जिनल, पोस्टीरियर मार्जिनल जोन का, वेट, पोस्टीरियर मार्जिनल जोन का ये जो फिगर दिया हुआ है, हाँ ये पोस्टीरियर मार्जिनल जोन की सेल्स होती हैं। और ये जो सेल्स होती हैं पोस्टीरियर मार्जिनल जोन की, यहाँ की हर सेल्स के पास कैपेबिलिटी होती है क्या फॉर्म करने की, हर सेल्स के पास एक कैपेबिलिटी होती है एक प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्म करने की, प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन करने की कैपेबिलिटी होती है। अब कुछ पॉइंट्स पढ़िए, वेट, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पोस्टीरियर मार्जिनल जोन, हम्म,
पोस्टीरियर पीएम जेड हैज पम्प्ड वंस द पीएम जेड हैड पम्प्स इट कंट्रोल्स द अदर रीजन ऑफ द मार्जिन नॉट ओनली डू द सेल्स ऑफ पोस्टीरियर मार्जिनल जोन इनिशिएट गैस्ट्रुलेशन दे ऑल्सो प्रिवेंट अदर रीजन ऑफ द मार्जिन फ्रॉम देयर ओन प्रिमिटिव स्ट्रीक द पीएम जेड कंटेन्स सेल्स दैट एक्ट एज द इक्विवेलेंट ऑफ द एम्फीबियन न्यूकोप सेंटर When placed in the anterior region of the marginal zone, a graft of PMJ tissues is able to induce a primitive streak and Hansen's node without contributing cells to the other structure. तो इस बात से हमें क्या पता चला कि posterior marginal zone की जो cells होती हैं वो primitive streak formation को control करने का काम करती हैं. Primitive streak का formation हुआ और anterior side पर जो regional thickening होती है primitive streak में ये इसको क्या बोलते हैं Hansen's node को हैंसन्स नोड बोलते हैं और फिर उसके बाद जो पोस्टीरियर मार्जिनल जोन की सेल्स होती हैं जब एक प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन हो जाता है तो बाकी की सेल्स को क्या सिग्नल देती है कि अब प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन नहीं करना है यानी कि पीएमजेड जो होती है वो क्या करती है हैंसन्स नोड को या प्रिमिटिव स्ट्रीक के फॉर्मेशन को सिग्नल देती है हैंसन्स नोड क्या होता है हैंसन्स नोड अगर हम लोग देखें तो हैंसन्स नोड क्या होता है हैंसन्स नोड होता है हाँ पढ़िए क्या लिखा हुआ है एट द एंटीरियर एंड ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक इज अ रीजनल थिकनिंग ऑफ सेल्स कॉल्ड हैंसन्स नोड द सेंटर ऑफ द हैंसन्स नोड कंटेन्स अ फनल शेप्ड डिप्रेशन थ्रू विच सेल्स कैन एंटर द एम्ब्रियो टू फॉर्म द नोटोकॉर्ड एंड प्रीकॉर्डल प्लेट हैंसन्स नोड इज द फंक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ द डॉर्सल लिप ऑफ द एम्फीबियन ब्लास्टोपोड दैट इज ऑर्गेनाइजर तो हैंसन्स नोड इसके इक्विवेलेंट होता है ऑर्गेनाइजर के इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट होता है ऑर्गेनाइजर के इक्विवेलेंट ऑर्गेनाइजर के हमने कल जब एम्फीबिया पढ़ाया था हमने बताया था कि डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप की जो सेल्स होती हैं वो ऑर्गेनाइजर की तरह फंक्शन तो हैंसन्स नोड भी बिल्कुल इसी के इक्विवेलेंट फंक्शन करता है ऑर्गेनाइजर के तरह ये भी क्या करता है एम्ब्रियो को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है और ऑर्गेनाइजर को सिग्नल कहां से मिल रहे थे की सेल्स ही ऑर्गेनाइजर का फॉर्म करेंगी इसके लिए सिग्नल्स कहां से आ रहे थे डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल से मतलब न्यूकोप सेंटर से सिग्नल आ रहे थे कहां से सिग्नल आ रहे थे न्यूकोप सेंटर से सिग्नल आ रहे थे ओके न्यूकोप सेंटर से तो यहां पर भी प्रिमिटिव स्ट्रीक के फॉर्मेशन को इंड्यूस करने का काम कौन कर रहा है पीएमजेड की सेल्स तो इसीलिए पोस्टीरियर मार्जिनल जोन को क्या बोला जाता है इनको न्यूकोप सेंटर के इक्विवेलेंट माना जाता है किसके इक्विवेलेंट माना जाता है न्यूकोप सेंटर के तो हैंसन्स नोड किसके इक्विवेलेंट होता है ऑर्गेनाइजर के इसका भी काम क्या होता है ऑर्गेनाइज करना एम्ब्रियो को ऑर्गेनाइज करना और न्यूकोप सेंटर का काम होता है ऑर्गेनाइजर के फॉर्मेशन को इंड्यूस करना और यहां पर पोस्टीरियर मार्जिनल जोन की सेल्स क्या करती हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक के फॉर्मेशन को इंड्यूस करने का काम करती हैं तो वो किसकी तरह फंक्शन करती हैं न्यूकोप सेंटर की तरह फंक्शन करती हैं तो ये दोनों सिमिलैरिटी होती है फंक्शनली इक्विवेलेंट होते हैं हैंसन्स नोड और पोस्टीरियर मार्जिनल जोन किसके ऑर्गेनाइजर और न्यूकोप सेंटर के तो ये याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पॉइंट को याद रखिएगा चलिए देखते हैं तो पोस्टीरियर मार्जिनल जोन का फॉर्मेशन हो गया उसके बाद क्या होगा जैसे जैसे प्रिमिटिव स्ट्रीक रिग्रेस होती आएगी उसके बाद एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा और हमने बताया एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हमेशा किसे होता है इपीबोली से होता है किसके थ्रू होता है इपीबोली के थ्रू अब एक्सिस की बात करते हैं किसकी बात करेंगे हम लोग एक्सिस की तो जब प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन होता है तो उसी के दौरान क्या शुरू हो जाता है एक्सिस का फॉर्मेशन ही शुरू हो जाता है एक्सिस भी डिसाइड हो जाती है सबसे पहले बात करते हैं डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस की डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस की तो जब ये किस पे डिपेंड करता है कैसे जब टू लेयर जब ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा था तो हमने बताया था कि एल्ब्यूमिन क्या करता है जो ब्लास्टोडर्म की सेल्स होती है वो क्या करती है एल्ब्यूमिन से वाटर और सोडियम आयन को एब्जॉर्ब करती है और कहां सिक्रीट कर देती है अपने और योक के बीच में मतलब अक्रॉस द एपिब्लास्ट सेल जो एपिब्लास्ट सेल्स यहां प्रेजेंट हैं जो एपिब्लास्ट सेल्स ही बोलेंगे इनको जो एपिब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट हैं जो
एपिब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है वो क्या कर रही हैं, एल्बुमिन से वाटर और सोडियम को अब्सॉर्ब कर रही हैं और कहां पर सीक्रेट कर दे रही, अपने और योक के बीच में, ये योक रीजन हो गया। तो यहां पर क्या बन जाती है, सब जर्मिनल कैविटी बन जाती है। तो इसका मतलब एपिब्लास्ट की जो सेल्स होंगी वो दो एनवायरमेंट को फेस करेंगी, एक ये एनवायरमेंट रहेगा एल्बुमिन वाला एनवायरमेंट रहेगा और दूसरा सब जर्मिनल स्पेस का एनवायरमेंट रहेगा। एल्बुमिन का पीएच कैसा होता है, बेसिक पीएच होता है 9.5 होता है, और जो सब जर्मिनल स्पेस का पीएच होता है वो एसिडिक होता है, अप्रॉक्स 6.5 होता है, 6.5 होता है। तो जो भी सेल्स एपिब्लास्ट की जो सेल्स इस एल्बुमिन यानी कि बेसिक पीएच को फेस करती हैं, नेगेटिव साइड को फेस करती हैं, वो क्या बनाती हैं, वो डॉर्सल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करती है, डॉर्सल स्ट्रक्चर का। और जो सेल्स एपिब्लास्ट की जो सेल्स सब जर्मिनल स्पेस को या सब जर्मिनल कैविटी के साइड को फेस करेंगी, एसिडिक साइड को फेस करेंगी, नेगेटिव साइड को फेस करेंगी, वो क्या बनेंगी, वो वेंट्रल स्ट्रक्चर या वेंट्रल एक्सेस का फॉर्मेशन करेंगी। तो पीएच के बेसिस पे ही क्या होता है, डॉर्सल वेंट्रल एक्सेस का फॉर्मेशन उसी टाइम पर हो जाता है जब क्या होता है, एपिब्लास्ट सेल्स क्या करती है, एल्बुमिन सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब करके कहाँ सीक्रेट करती है, अपने और यो के बीच में। सेकेंड एक्सिस की अगर हम लोग बात करें तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, कौन सी, पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। हाँ दिव्या जी, कल तो आप दिखाई नहीं पड़ी हैं, नहीं पढ़ाएंगे आकाश, बस आज शिक्षा के बाद कल टेट्रापोड लिम्ब पढ़ेंगे, कल से टेट्रापोड लिम्ब पढ़ेंगे और उसके 2 से 3 लेक्चर होंगे। हाँ उसके 2 से 3 लेक्चर होंगे। देन चलिए चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद, हैंसन प्रेजेंटिव नोडोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसीलिए जैसे 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 प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या होती जाती है, प्रिमिटिव स्ट्रीक जैसे जैसे रिग्रेस होती जा रही है, इसका बहुत अच्छा ग्राफ दिया हुआ है, अब दिखाते हैं। तो उसमें क्या होता है, तब एक्टोडर्म एपिबोलिस एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक, प्रिमिटिव जो हैंसन नोड होता है वो बेसिकली फंक्शनली इक्विवेलेंट होता है ऑर्गेनाइजर के, और जो पोस्टीरियर मार्जिनल जोन होता है जहां की हर सेल्स के पास कैपेबिलिटी होती है अपनी एक प्रिमिटिव स्ट्रीक के फॉर्मेशन की, हैंसन नोड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। मतलब अल्टीमेटली ये पोस्टीरियर मार्जिनल जोन की सेल्स क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करने का काम करती हैं, तो इसीलिए ये न्यू कूप सेंटर के इक्विवेलेंट होती है। अब अगर हम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की बात करें, तो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो होती है वो डिपेंड करती है ग्रेविटी पे। किस पे डिपेंड करती है, ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। तो जब जब हैंड के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एग मूव करता है, देखो पढ़ो यहां से, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ये The conversion of the radially symmetrical blastoderm into a bilaterally symmetrical structure appears to be determined by the gravity. As the ovum passes through the Hens reproductive tract, it is rotated for about 20 hours and it is its rotation time hota hai iska, that is rate of 15 revolution per hour, matlab 15 rotation ya revolution per hour, shift the yolk such that its lighter components lie beneath one side of the blastoderm. This imbalance tips up one end of the blastoderm and that end become the posterior marginal zone. जो lighter part रहेगा वो क्या बनाएगा, posterior marginal zone, जहां से किसका formation शुरू होता है, primitive streak का formation शुरू होता है, where primitive streak formation begins. तो रोटेशन कितना होता है, 15 रोटेशन पर आवर होता है और 20 आवर्स तक रोटेट करता है, और इस रोटेशन की वजह से क्या होता है, जितना भी हैवी कंपोनेंट होता है वो नीचे आ जाता है, और लाइटर कंपोनेंट अगर एंटीरियर पोस्टीरियर के बेसिस पे देखें तो इस तरीके से हमको दिखाई देता है। तो पोस्टीरियर जो लाइटर कंपोनेंट्स, जहां पर जो लाइटर पार्ट होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, पोस्टीरियर मार्जिनल जोन का, पोस्टीरियर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, और जो हैवियर कंपोनेंट होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, एंटीरियर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो अब यहीं से क्या शुरू होता है, पोस्टीरियर साइड से ही क्या शुरू होता है, प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है।
किसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और एक बार जैसे ही प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, जब प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू ही क्या होता है, गैस सेल्स का मूवमेंट होता है और मीजोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है, एंडोडर्म और मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। मतलब जो डीप मूविंग सेल्स होंगी इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू, जो सबसे डीप मूविंग सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेंगी, और उसके बाद सेकेंड टाइम पर कौन मूव करेगा, मीजोडर्म सेल, जो मीजोडर्म बनाने वाली सेल्स हैं वो मूव करेंगी और मीजोडर्म का फॉर्मेशन होगा। और ये तब होगा जब क्या होगा, जब एपिब्लास्ट की सेल्स प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन कर लेंगी। तो अगर हम पीसीपी पाथवे को ब्लॉक कर दें, देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इफ डब्ल्यूएटी प्लानर सेल पोलैरिटी पाथवे इज ब्लॉक्ड, द मीजोडर्म एंड एंडोडर्म फॉर्म पेरिफेरली इंस्टेड ऑफ सेंट्रली। कहाँ पर बनने लगेंगी, सेंटर में बनने की वजह से, सेंटर में बनने की जगह वो मीजोडर्म और एंडोडर्म कहाँ बनने लगेगा, पेरिफेरल पे बनने लगेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो मूवमेंट होगा सेल का वो किसके थ्रू हो रहा है, प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू। और अगर ये पाथवे रन नहीं करेगा, अगर पीसीपी पाथवे रन नहीं करेगा, तो एपिब्लास्ट की सेल जो होंगी वो प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगी। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक अगर सेंटर में नहीं बनेगा तो उसके सेल्स उसके थ्रू एंडोडर्म और मीजोडर्म बनाने वाली सेल्स भी मूव नहीं कर पाएंगी। इसीलिए अगर ये पाथवे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो एंडोडर्म और मीजोडर्म जो प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू कहां बन रहे थे, सेंटर में बन रहे थे, अब वो कहां बनने लगेंगे, पेरिफेरी पे बनने लगेंगे। इसीलिए ये पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीसीपी पाथवे जो प्रिमिटिव स्ट्रीक के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, याद रखिएगा। क्योंकि एंडोडर्म और मीजोडर्म को बनाने वाली जितनी भी सेल्स हैं वो किसके थ्रू माइग्रेट करेंगी, प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू माइग्रेशन होगा, प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू माइग्रेशन होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, द डीप मूविंग सेल गिव राइज टू द एंडोडर्मल ऑर्गन्स ऑफ द एम्ब्रियो एज वेल एज टू मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, द सेकेंड माइग्रेटिंग लेयर स्प्रेड्स टू फॉर्म अ लूज लेयर ऑफ सेल्स बिटवीन द एंडोडर्म एंड द एपिब्लास्ट, this middle layer of cells generate the mesodermal portion of the embryo and the mesodermal lining the extra embryonic membrane. Lekin agar tumne is pathway ko block kar diya to ye mesoderm aur endoderm center mein na bankar kahan banne lagenge, periphery par banne lagenge. To yaad rakhna, to is tarike se kya hota hai, anterior posterior axis ka formation kiske basis par hota hai, gravity ke basis par hota hai. Lighter part of the blastoderm become posterior while the heavier part of the blastoderm become एंटीरियर। अब लेफ्ट राइट एक्सिस की बात करते हैं, लेफ्ट राइट एक्सिस के केस में क्या होता है, जिस तरीके से डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस पीएच पर डिपेंड कर रही थी और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ग्रेविटी पर डिपेंड कर रही थी, उसी तरीके से लेफ्ट राइट एक्सिस जो होती है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक पैराग्राइन फैक्टर जिसे बोलते हैं नोडल और दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पिटेक्स 2। और ये दोनों ही एक्सप्रेस कहां होने चाहिए, लेफ्ट साइड पर एक्सप्रेस होने चाहिए, इन दोनों का ही एक्सप्रेशन कहां मिलना चाहिए, लेफ्ट साइड पर। तो ये लेफ्ट राइट एक्सिस के लिए ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से, नोडल और पिटेक्स 2। अब देखिए इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड पर आपको क्या मिल रहा है, लेफ्ट साइड पर ये क्या है, ये वेंट्रल मिडलाइन है। प्रिमिटिव स्ट्री क्या करती है, लेफ्ट और राइट हमने बताया, जैसे ही प्रिमिटिव स्ट्री का फॉर्मेशन होता है डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस और लेफ्ट राइट एक्सिस का डिटरमिनेशन हो जाता है। तो ये क्या है, हैंसन्स नोड है, प्रिमिटिव स्ट्री का क्या है, हैंसन्स नोड है, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड पर हमको क्या मिलता है, सोनिक हेजहॉग मिलता है, ये सोनिक हेजहॉग लेफ्ट साइड पर सेरिबेरस को एक्टिवेट करता है और सेरिबेरस एक्टिवेट करती है किसको, बीएमबी को। और ये बीएमपी क्या करते हैं, नोडल का एक्सप्रेशन कराते हैं और नोडल क्या करती है, नोडल इंड्यूस पिटेक्स टू जीन को एक्टिवेट करती है वाइल स्नेल को इनहिबिट करती है। ये सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी कि आपको लेफ्ट साइड पर सोनिक हेजहॉग मिलेगा तो क्या करेगा, सेरिबेरस को एक्टिवेट करेगा,
सेरिवेरस को एक्टिवेट करने के बाद ये इसका काम क्या होगा कि ये बीएमपी को एक्टिवेट करे। ये सेरिवेरस और बीएमपी क्या करते रहते हैं, सेरिवेरस का काम होता है बीएमपी को एक्टिवेट करना, वाइल बीएमपी क्या करता है सेरिवेरस के एक्टिवेशन को मेंटेन रखता है। फिर जैसे ही बीएमपी का एक्टिवेशन होता है, बीएमपी इंड्यूस नोडल एक्सप्रेशन एंड दिस नोडल एक्टिवेट्स पिटेक्स 2 इन लेफ्ट साइड, वाइल नोडल ऑल्सो इनहिबिट स्नेल प्रोटीन इन लेफ्ट साइड। स्नेल को किधर इनहिबिट करता है, लेफ्ट साइड में। राइट साइड पर क्या होता है, राइट साइड पर एक्टिविन प्लांट होती है, एक्टिविन प्रोटीन एक्ट करती है अपने एक्टिविन रिसेप्टर्स के थ्रू विच इनहिबिट्स द सोनिक हेजहॉग। और जैसे ही सोनिक हेजहॉग इनहिबिट होगा, अब सोनिक हेजहॉग अगर इनहिबिट हो गया तो उस केस में क्या होगा, एक्टिविन एक्टिवेट्स FGF8, FGF8 इनहिबिट सेरिबेरस। और अगर सेरिबेरस एक्टिवेट नहीं होगा तो कौन एक्टिवेट नहीं होगा, बीएमपी का एक्टिवेशन नहीं मिलेगा, बीएमपी का एक्टिवेशन नहीं मिलेगा तो नोडल का एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, और नोडल एक्सप्रेस नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, पिटेक्स 2 का एक्टिवेशन नहीं होगा। तो इधर क्या बन जाएगी, राइट साइड बन जाएगी। ये जो वेंट्रल मिडलाइन में लेफ्टी वन दिख रही है, इस लेफ्टी वन का काम होता है सेरिबेरस को, सेरिबेरस के सिग्नल को राइट साइड पर ना आने देना, राइट साइड पर मतलब इसे यहाँ पर पास ना होने देना। तो इस तरीके से इन जीन्स के थ्रू क्या होता है, लेफ्ट राइट एक्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है, लेफ्ट राइट एक्सेस बन जाती है। दैट इज ऑल अबाउट चिक डेवलपमेंट एंड देयर एक्सेस फॉर्मेशन, देयर एक्सेस फॉर्मेशन। अब देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ ओके, क्लियर कर दिए ना। चलो आज तुम रोज आती हो दिव्या, तो कल तुम्हारा मैसेज नहीं आया था तो मुझे लगा। हाँ ओके, चलिए थैंक यू चंदन जी, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम विच ऑफ द एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म आर फॉर्म्ड इन द चिक इज नोन एज। तो बताइए मीजोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन किससे होता है, किस पार्ट से होता है, चिक के किस पार्ट से मीजोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है, प्रिमिटिव स्ट्रिक से होता है, हाइपोब्लास्ट से होता है, एपिब्लास्ट से होता है, या साइटोट्रोफोब्लास्ट से होता है। एपिब्लास्ट से, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एपिब्लास्ट से फॉर्मेशन होता है किसका, एपिब्लास्ट से फॉर्मेशन होता है किसका। हाँ बारिश हो रही है ओडिशा में, यहाँ भी दो दिन से बहुत हो रही है अमूल्य, बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर। चलो किससे होता है, एपिब्लास्ट से किसका फॉर्मेशन होगा, मीजोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होगा। चलिए ये तो बी सेक्शन का क्वेश्चन था, सी सेक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। Hansen's node is established as the avian equivalent of the amphibian dorsal blastopore lip. किसके equivalent होता है, organizer के equivalent होता है। The following observations are presumed to be support of the same. It is the reason whose cells induce and pattern a second embryonic axis when transplanted into the other location of the gastrula. क्या ये option सही है, is it true or not? Thank you Romaina. बताइए इज इट ट्रू और नॉट, ये ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजर की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या कर सकता है, सेकेंडरी एक्सेस का फॉर्मेशन कर सकता है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, इट इज इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर। क्या टिश्यू स्ट्रक्चर के टर्म्स में इक्विवेलेंस होता है, नहीं। किस टर्म में इक्विवेलेंस होता है, फंक्शनल इक्विवेलेंस ही होती है। मतलब फंक्शनल, जो फंक्शन ऑर्गेनाइजर करता है वही फंक्शन कौन करता है, हैंसन्स नोड भी करता है। तो ये ऑप्शन कैसा है, इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन, इट एक्सप्रेसेस द सेम मार्कर जीन्स एज द स्पीमैन ऑर्गेनाइजर इन एम्फीबियंस। क्या ये ऑप्शन सही है, बताइए क्या ये ऑप्शन सही है। इट एक्सप्रेसेस द सेम मार्कर जीन एज अ स्पीमैन्स ऑर्गेनाइजर इन एम्फीबियन, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। WNT और बीटा कैटेनिन का एक्सप्रेशन मिलता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन, द सेम माइक्रो आरएनए कैन इंटरफेयर विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रीकॉर्डल प्लेट इन बोथ हैंसन्स नोड एंड स्पीमैन्स ऑर्गेनाइजर, नहीं ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही है, ए सही है और सी सही है, ए एंड सी
करेक्ट है। अब ये तो 2013 में आए हुए क्वेश्चन थे, अब रिसेंट के क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड अबाउट द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग चिक डेवलपमेंट। ये सारी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ये सारी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और इसके बेसिस पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। पहली स्टेटमेंट, अ फर्टिलाइज्ड चिक एग अंडरगोज डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, हाउएवर द क्लीवेज डज नॉट एक्सटेंड इनटू द योकी साइटोप्लास्ट। करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट और इनकरेक्ट, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल करेक्ट। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी हाइपोब्लास्ट is mediated by localized migration of a group of highly specified and connected clusters of the 30 to 40 cells. नहीं, यहाँ पर जो cells होती हैं 30 to 40 ना होकर 5 to 20 cells होती हैं, 5 to 20 cells होती हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये book में दिया हुआ है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ये चीज़, देखो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि cells in more anterior regions of the epiblast have delamined to the epiblast to form hypoblast islands and archipelago of disconnected cluster of 5 to 20 cells each that migrate and become the primary hypoblast. तो ये जो cluster होता है cells का, ये जो cells का cluster होता है, ये 30 to 40 cells ना होकर 5 to 20 cells होता है। कितना होता है? 5 to 20 सेल्स का होता है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। अब सी ऑप्शन, बाय द स्टेज 13 ऑफ चिक एम्ब्रियोजेनेसिस अ लिटिल प्रायर टू प्रिमिटिव स्टेज फॉर्मेशन द फॉर्मेशन ऑफ द हाइपोब्लास्ट इज जस्ट कंप्लीट। तो अभी हमने बताया था, अभी हमने इस स्ट्रक्चर में बताया था कि क्या हो रहा था, इस स्ट्रक्चर में अभी हमने बताया था कि क्या हो रहा था। जैसे ही इस स्टेज में देखिए, ये स्टेज 13 है और यहाँ पर हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका होता है, तब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही एग लिंग होती है वैसे ही क्या होने लगता है, प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। बाय द स्टेज 13 ऑफ द चिक एम्ब्रियोस लिटिल प्रायर टू प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोब्लास्ट इज कंप्लीट। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। D. Hansen's node of the chick embryo signifies a region at the anterior end of the primitive streak with regional thickening of the cells. Correct है और incorrect है? Correct है या incorrect है? Correct है, बिल्कुल। E option. Inhibition of WNT planar cell polarity pathway in the epiblast causes the mesoderm and endoderm to form centrally instead of peripherally. बताइए ये ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इस ऑप्शन के बारे में बताइए। ई ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ई ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है? रॉन्ग है, बिल्कुल। क्यों रॉन्ग है? नहीं, करेक्ट नहीं है अलूरी वैष्णो, करेक्ट नहीं है। कैसा है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? अगर हम डब्ल्यू एन टी पाथवे को ब्लॉक कर दें तो मीजोडर्म और एंडोडर्म, क्या लिखा हुआ है, द इनिबिशन ऑफ डब्ल्यू एन टी प्लानर सेल पोलैरिटी पाथवे इन द इपीब्लास्ट सेल्स कॉजेस द मीजोडर्म एंड एंडोडर्म टू फॉर्म सेंट्रली। नहीं, अगर डब्ल्यू एन टी पाथवे रन नहीं करेगा, अगर पीसीपी पाथवे रन नहीं करेगा, तो एंडोडर्म और मीजोडर्म कहाँ बनेंगे? पेरीफेरी पर बनेंगे, सेंट्रली नहीं बनेंगे। सेंट्रली तब बनेंगे जब ये पाथवे रन करेगा। एंडोडर्म एंड मीजोडर्म फॉर्म सेंट्रली इंस्टीड ऑफ पेरीफेरी, जस्ट अपोजिट दे दिया है इन्होंने। वो स्टेटमेंट जहां पर पेरिफेरली लिखा था वहां पर उठाकर सेंट्रली कर दिया है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। तो ए सी डी ऑप्शन, यस, पेरिफेरल में होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये ए सी डी ऑप्शन जो होगा वो, ए सी डी जहां पर दिया होगा वो करेक्ट हो, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो दैट इज ऑल अबाउट चिक डेवलपमेंट एंड गैस्ट्रुलेशन एंड एक्सिस डिटर्मिनेशन। कल हम लोग पढ़ेंगे टेट्रापोड लिम के बारे में। टेट्रापोड लिम में एक से दो लेक्चर टेट्रापोड लिम में भी जाएंगे, उसमें भी हम लोग हॉक्स जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें पढ़ने के लिए। तो कल मिलते हैं,
इसी टाइम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय गाइज, थैंक यू सो मच।